इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के महारानी रोड पर व्यापारी को धारदार हथियार दिखाकर डराने धमकाने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लेकर गुंडा जुलूस निकाला, जिससे व्यापारी भयमुक्त होकर व्यापार संचालित कर सके। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित महारानी रोड पर पवन स्पीकर किंग पैलेस की दुकान पर धारदार हथियार दिखाकर डराया धमकाया और मारपीट की गई थी, जिसकी पूरी घटना वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। व्यापारी द्वारा बदमाशों के खिलाफ थाने में जाकर मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम राजेंद्र उर्फ गुड्डू व अजय कटारे हैं। वहीं उनके एक अन्य साथी सुनील चौकसे की पुलिस तलाश कर रही है। पकड़ाए दोनों ही बदमाशों का पुलिस ने घटनास्थल पर ले जाकर गुंडा जुलूस भी निकाला, ताकि व्यापारी में बदमाशों के खिलाफ भयमुक्त होकर अपना व्यापार संचालित कर सके। ये कल की बात है, एक सुनील चौकसे है, ये भी डीजे वगैरह की दुकान है इसकी, और दूसरे भी जो दुकानदार हैं तो वो भी डीजे वगैरह बेचते हैं, और इसकी छोटी दुकान है तो अक्सर उनसे सामान माल वगैरह ले लेता है, कभी पैसे कम दिए, कभी आधी अधूरी दिए, दबाव बना के उनसे माल मंगवाना चाहता है। और इसके अलावा इसके भी ग्राहक, चूँकि वो बड़ी दुकान है, वहाँ चले जाते हैं, तो इस पे रोष में आके सुनील चौकसे ने अपने साथियों के साथ कल दो दुकानदारों को जाके धमकियाँ दी, यहाँ तक कि चाकू निकाल के दिखा के धमकी दी। और इसमें मेन जो है सुनील चौकसे है, इसके पूर्व में दो अपराध पंजीबद्ध हैं और व्यापारियों की रिपोर्ट पे इन पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं और तलाश की जा रही है। और आज जो है नरेंद्र रौनक अजय और राजेंद्र ये चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सुनील चौकसे अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है, और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।